अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। तो वेलकम करते हैं आपको मैन फैमिली ब्लॉग में। जहाज गुजर है, उसकी आवाज़ आ रही है। गुजर जाए मैं तो जी, वेलकम करते हैं आपको मैन फैमिली ब्लॉग में, एक और अच्छे से ब्लॉग में। खुश आमदीद। और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। मामा की तबीयत भी ठीक थी तो मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में अचानक थोड़ा सा बीपी उनका ज़्यादा हाई हो गया, और फिर जो सास भाई थे वो सो रहे थे, तो फिर हमने पापा को कॉल की। पापा फ़ौरन आ गए क्योंकि उनकी फैक्ट्री जो है वो नज़दीक ही है। तो फिर पापा गए ही नहीं, मतलब 10:30 बजे का टाइम था। इतना शुक्र है उस टाइम हमारा जो डॉक्टर है वो मॉर्निंग टाइम भी बैठता है, तो मेडिसिन वगैरह लेके आए। तो मामा लेटी हुई थी तो मैंने कहा मैं मतलब खाना रेडी कर लूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आपने ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से हम ना, ये डॉक्टर ने स्पेशली बोला टिंडी और कद्दू आपने खाने, तो इसलिए हमने आज ये कद्दू बनाए हैं। पापा लेके आए हैं, पहली दफ़ा बना रही हैं ये, मतलब गर्मियों के सीज़न के जो हैं अभी आए हैं, ये गर्मियों की है तो आज हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं जी। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, मरीज़ के हिसाब से बनानी है। स्पाइसी वैसे भी हमारा खाना नहीं होता इतना स्पाइसी, लेकिन इसको और ज़्यादा हम लाइट उसमें बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें चिकन डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। तो आगे आपके साथ लोग कंटिन्यू करूँगी और साथ साथ मैं सब्ज़ी बनाती हूँ जी। हम सब भी आज यही खाएंगे। अब वो कह रहे थे कि अपने लिए कुछ और बना लो, मैंने कहा नहीं हम भी यही खा लेंगे। फिर दो दो हांडियाँ बनाना आसान नहीं है, मेरे काम बढ़ना था, तो मैंने कहा नहीं फिर सब यही खा लेंगे। इस वजह से फिर वैसे भी सब खा लेते हैं, किसी को इशू नहीं है कि हमने ये नहीं खाना। हाँ जी, टिंडे कद्दू सब पसंद कर लेते हैं हमारी घर में जी। तो इनको बाद में उतारेंगे, जो इनकी है ना ये गंडियाँ, ये हम जब वॉश करके काटूंगे उस टाइम उतारेंगे जी। छोटे छोटे हैं और इतने माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं बिल्कुल मेरे जैसे। इसको काट लेते हैं जल्दी से, कह सकते हैं तुम्हारे जैसे नहीं कह सकते, ये छोटे छोटे हैं। मैं नहीं छोटी? नहीं तुम बड़ी हो। बस इसको मैं जल्दी से काट लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ इसके वो प्याज और लहसुन, और फिर आपसे मिलती हूँ अपने किचन में। प्याज फ्राई हो रहा है, ये पड़ा है चिकन, स्पाइसेस, टमाटर और घिया, कद्दू, कद्दू शरीफ डालने लगते हैं। लहसुन अदरक डाले, थोड़ा सा ब्राउन होता है इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन को इसके साथ फ्राई करेंगे, और चिकन जो हमारे पास है वो तकरीबन कितना है, मोर देन हाफ के जी, ज़्यादा फ्राई करते हैं जी, आधा किलो से ज़्यादा है चिकन। सुबह पापा आ गए थे, मामा को हॉस्पिटल लेके जाना था मेडिसिन लेने के लिए, और अब पापा जाएंगे ब्रेक के बाद खाना खा के जाएंगे जी, वापस दोबारा से जाएंगे। ये मैंने टमाटर धो के रखे हैं इधर, ये सारे स्पाइसेस हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े मैंने लिए हैं। तुम बताओ मुझे, आते हैं बताना, मैंने बताया भी था। ये है हल्दी, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, नमक और सूखी मेथी, और ये है सूखा धनिया। जिसकी ने बना के रखा इससे हमने दो दफ़ा बनवाया था जी, इस दफ़ा पिछली दफ़ा भी मैंने बनाया था, मतलब मामा ने की थी और मैंने उससे किया था, वो ग्राइंड नहीं था हमने किया, वो जो होता नहीं है क्या उसे कहते हैं चट्टू, हाँ कुट्टा था चट्टू बट्टे में, कुछ लोग कहते हैं कुंडी डंडा, कुछ चटुभट्टा, कुछ कहते हैं दोरी, हाँ दोरी तो मैंने नहीं सुना, बोलते होंगे। चलो टमाटर और स्पाइसेस भी आप इसमें डाल देंगे, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसके साथ ये भून हो जाएगा। आज हमारी गली में काफ़ी शोर है क्योंकि ना बच्चों को, हाँ जी छुट्टी हुई है अभी स्कूल से, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं।
गर्मियाँ आ गई हैं तो गली में शोर ऐसे ही रहा करेगा, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में बच्चे बाइक खेलते हैं, लाइट बहुत बंद होती है, वो फिर उस टाइम पर बाइक खेलते हैं, फिर अपना टाइम वो पास करने के लिए बाहर आ जाते हैं गली में। इसमें मैंने कद्दू को शामिल कर दिया इसको भून के, तो इसको बस मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी ताकि ये दोनों अच्छे तरीके से गल जाएं और जो खाना है हमारा वो जल्दी बन जाए। बस इसको अच्छे तरीके से मैंने भून दिया, मैं प्रेशर लगाने लगी हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। सालन ऑलमोस्ट बनने वाला है, कभी सुखाना है और निकलता है ना। और इधर रोटी बन रही है क्योंकि पापा ने जाना खाना खा के। धनिया शामिल डाल दी है, टीम ज़्यादा है, ठीक है। एक रोटी बन गया, अब हम पापा को खाना देंगे। वो निकालो ना, खाना हमने पापा को दे दिया, ये रहा सालन और पापड़ी या रोटी। पापा जी इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद है ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्लाह के फजल से। अब पापा खाना खा के जाएंगे। हैं जिसने खाना खाना है अभी खा लें जी, खाना खा के पापा चले जाएंगे काम पर। अचानक बुलाया था, क्यों बुलाया था? मैंने आगे आपने बताया नहीं, मामा की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो इस वजह से हमने फिर। हाँ जी, नमक पापा को रखा, नमक पूरा है आज, अम्मी की वजह से हम नमक कम डालते हैं जी, तो फिर हमने पापा को जल्दी बुला लिया था। अब पापा जा रहे हैं ब्रेक के बाद। ये शराज का सामान रेडी है, काम पर जाने लगा है, लाइट हमारी अभी बंद है और ये शराज जो है ना अभी ब्रश कर रहा है। ये देखिए, ये कौन सा टाइम है ब्रश का? रोटी के बाद आया। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? ब्रश करके इधर आके अच्छे तरीके से लो, पहले कर लो पहले ब्रश, ठीक है बाल श्रास? बस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जब मैंने खाना खाया उसके बाद मैंने ब्रश किया, मैं आज बहुत लेट खाऊँ 3 बजे, तो मैं जा रहा हूँ काम पे। अच्छा जो जो वीडियो देखे ना मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी की तबीयत कल रात को बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो आज डॉक्टर के पास गए थे सुबह टाइम मॉर्निंग, पापा लेके गए थे, फिर मैं सुबह से जागता रहा हूँ, 9 बजे सोया हूँ और 3 बजे उठाऊँ, मम्मी इधर बैठे मेरी तबीयत नहीं सही जी। ज़रूर आप सबने करनी है, और वो मामा बैठी हुई है, लाइट हमारी बंद है, वो अंदर ना अंधेरा भी लाइट आती है तो फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को, ये ऐसा जाके प्यार करते हैं अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी मेरा बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, इसलिए आज मैं व्लॉग में कम ही आई हूँ। आप लोगों से दुआ है कि मेरी सेहत याबी के लिए दुआ करें। पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, तो मेडिसिन देख के आए हैं, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे सबको, अपने अपने घरों में शाद बाद रखे। बन रही है चाय मेरी और आपकी, की मामा के सर में दर्द हो रही है तो आप ही उनका सर दबा रही हैं, और अभी मैं इसको डालूँगी और लेके जाऊँगी अंदर। आपको देख के आते हैं अंदर।
अपने मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले मैं एक गिरानी है वनवा तुमने है तो बस जी व्लॉग का आज हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। कल भी व्लॉग इसी वजह से नहीं हम डाल सके क्योंकि अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, कुछ मेरे हाथ पे भी कल स्वेलिंग थी, आज अल्लाह का शुक्र है कम है। और मिलेंगे आपसे कल के अच्छे से व्लॉग में, हमें इजाज़त और हमारी मामा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।